दोस्तों आज बीफ है और आज हम चबवा रहे हैं दुरदुरिया। तो सब कुछ कर चुके हैं दोस्तों, बस यही देख रहे थे क्या चीज़ रखे हैं पूजा के लिए, क्या चीज़ नहीं रखे हैं, ताकि सब लोग आएं, तो हमारी जो गांव की गोतनी हैं ये सब आएं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हम भूल जाएं, इसलिए सब देख करके रख रहे थे। तब तक हमारे गांव की गोतिन लोग आ गई और मैं सबके पैर में रंग लगा रही थी कलर। अब सबके पैर में कलर मैं खुद ही लगाती हूँ दोस्तों, चाहे जब मैं माता जी का प्रसाद खिलाती हूँ सबको या दुरदुरिया चबवाती हूँ, तो सबके पैर में रंग मैं खुद ही लगाती हूँ, कभी मैं दूसरों से रंग नहीं लगाने देती और खुद ही लगाती हूँ। और रंग लगा करके वो पुण्य मैं ही लेना चाहती हूँ, दूसरों को नहीं। लोग कहते हैं कि पैर में रंग लगाने से पुण्य मिलता है, और अब हम रंग लगा के कंप्लीट हो गया, सब लोग बैठ गए हैं पूजा पे दोस्तों। और ये हमारे यहाँ पूजा इसी तरीका से होता है, देखिए हम सिंदूर उठा करके सबको लगा रहे हैं। सभी के मांग में पहले गौरी गणेश को छुआ जाता है लगा करके, फिर सबके मांग में लगाया जाता है सिंदूर, सबके मांग में सिंदूर लगा रहे हैं। इनको आप पहचान ही रहे होंगे, उषा जी हैं, इनके मांग में सिंदूर लगा रहे हैं, सबके मांग में लगा रहे हैं। सबके मांग में लगाने के बाद फिर देखते हैं क्या होता है। दोस्तों आप सबके यहाँ पूजा कैसी होती है कमेंट में जरूर बताइएगा, और सानी माता का पूजा आप लोग कैसे करते हैं। हम लोग तो इसी तरीका से ही करते हैं और अच्छा से करते हैं, मतलब हम लोग को अच्छा भी लगता है इसी तरीके से पूजा करना। माता जी के लिए मैं माता गौरी माता को मैं बिंदी लगाने जा रही हूँ। अब मैं माता गौरी को बिंदी लगा करके इसके बाद सबको बिंदी लगाऊंगी, एक 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 बिंदी पहले अपने लगाती हूँ, फिर उसके बाद सबको बिंदी लगाऊंगी। बृहस्पतिवार को दुरदुरिया जरूर चबवाना चाहिए दोस्तों, ना ढेर दिन तो मतलब महीना में तो एक बार जरूर चबवा देना चाहिए। माता जी का आशीर्वाद है तो सब कुछ हम लोगों के पास भरा भरा पूरा है, अगर माता जी का आशीर्वाद नहीं होता तो क्या होता। तो इसीलिए जम बाटे दुरदुरिया चबवा देना चाहिए दोस्तों, जरूर चबवा देना चाहिए माता जी का प्रसाद। हम तो चबवाते हैं माता जी का प्रसाद और आज चबवा ही रहे हैं, बल्कि मौसम बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था, लग रहा था कि बारिश हो जाएगा। एक बार तो सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए, लेकिन डरे नहीं दोस्तों, हमने कहा माता जी के ऊपर छोड़ते हैं, अगर बारिश हो भी जाएगा तो क्या करेगा, लेकिन अब तो हम दुरदुरिया चबवाएंगे। अब रहा दोस्तों, देखिए सभी लोगों के माथे पे बिंदी भी लग चुकी, सिंदूर भी लग चुका। अब हमारी जो गोतनी है सब रिश्ता में सब हमारी जेठानी ही लगती हैं, मैं सबसे छोट देवरानी हूँ सबकी, सबकी देवरानी, जितनी लोग यहाँ बैठी हैं सबकी मैं देवरानी हूँ। बस यही माता जी से यही मनोकामना है, माता जी हमारा हर मनोकामना है आप पूरा कीजिए, माता जी जो भी इच्छा है उसे पूरा कीजिए, और हमारा पूजा स्वीकार कीजिए, और साथ साथ हमारी जो सातों गोतिन बैठी हैं इन लोगों का भी पूजा स्वीकार कीजिए माता जी। और जो मेरा वीडियो देख रहा है उनका भी स्वागत है, उनका भी माता जी आशीर्वाद दीजिए, माता जी इतना आशीर्वाद दीजिए सबको कि सबका झोली भरा रहे। आप देखिए सब सबको माता जी का प्रसाद उठा रही हैं। भगवान से यही निवेदन है कि ईश्वर से यही प्रार्थना है भगवान से कि सबका आंचल इसी तरह भरा रहे। हम भी तो यही सोचते हैं दोस्तों कि माता जी सबका आंचल इसी तरह से भरे रहे, मांग और आंचल दोनों भरा रहे। मांग भरा रहेगा तो हमारे साजन जी पति जी सलामत रहेंगे, अगर आंचल भरा रहेगा तो मेरा बेटा सलामत रहेगा, बेटी सलामत रहेंगी। तो इसीलिए भगवान से यही प्रार्थना है भगवान जी, मांग और आंचल दोनों भरे ही रखना, और हम लोग ऐसे ही जोड़ जांगर आशीर्वाद अपना ऐसे ही बनाए रखिए ताकि हम लोग पूजा कर सकें। और ये हो रहा हमारा पूजा, इसी के बाद हम खीसा भी स्टार्ट कर दिए थी हमारी जेठानी जी। खीसा में था एक थी देवरान एक थी जेठान, और दोनों दोनों लोग रोज जाती थी कथा कान, भीख मांग रहे हैं दोस्तों, देखिए ऐसे भीख मांग जाता है हमारे यहाँ, और हम तो कथा बीच में ही खत्म कर दिए दोस्तों। और देखिए भीख कैसे दिया जाता है हमारे यहाँ दोस्तों, भीख मांगा जाता है। अब हम सबसे ही कह रहे हैं दीजिए भाभी जी भीख, दीजिए भाभी जी भी, भाभी जी सब लोग भीख दे रही हैं हमें,
ऐसे सब लोग देती रहें ताकि मेरा आंचल हमेशा ऐसे भरा रहे। इन्हीं सब के आशीर्वाद से मेरा भी आंचल भरा पूरा रहे दोस्तों। हंसी आ गई थी, बोले कि निशा कितनी बार ली हो, तो हमने बोला कि हम डाबते हैं। सबसे छोटी देवरान है ना, इसीलिए ये जेठानी मेरी भूल गई थी, एक ही बार दी थी तो बोली कि आओ ले लो, दोबारा ले लो, एक बार नहीं लेना चाहिए। और मिठाई था जो कि कटोरी में रखे थे, लेकिन इसे आंचल में डालना था, तो बाद में इसे हमने आंचल में डाल लिया। अब फुटेरा, जो फुटेरा होता है छोटा छोटा चना का फुटेरा, वही सबके हाथ में देंगे, तो सब लोग वही फुटेरा ले करके हाथ में, तब फिर खीसा शुरू करेंगी। अब फुटेरा सबको दे दिए हैं। हाँ, तो वही खीसा था कि एक देवरान थी, एक जेठान थी। जेठान हर जगह दुरदुरिया चटपटी में माता जी का जहाँ भी पूजा होता वहाँ जाती थी, लेकिन देवरान को नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि जेठान चली जाती थी और कहती थी ये भूखड़ है, खाना खाली है, कहाँ जाएगी। एक दिन एक बूढ़ा माता आई और बोली कि चलो बहू हमारे यहाँ पूजा पे, आप तो सुबह ही खा लेती हो। छोटी बहू बोली, नहीं माँ, मैं सुबह नहीं खाती हूँ, मेरी जेठान वैसे ही कह देती है और मैं नहीं खाती हूँ, मुझे पूजा में नहीं ले जाना चाहती, और मैं जाना भी चाहती हूँ लेकिन लेना ले जाना नहीं चाहती हैं। और यही कह करके वो बंद कर देती हैं कि इनको मत ले जाइए पूजा पे, ये भूखड़ है, खा चुकी हैं। और यही खीसा माता जी का हमारी जेठानी जी कह रही थी।